दोस्तों, हिंदू हृदय सम्राट जो ये बार बार मासूम हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करते रहते हैं कि कैसे हिंदू खतरे में है, हिंदू संभल जाओ, हिंदू जाग जाओ। दरअसल दोस्तों, जी हाँ, वो खतरे में होते हैं, वो खुद खतरे में है और लोगों के बीच ये संदेश पास करने की लगातार कोशिश रहती है कि हिंदुओं को जगा दिया जाए, हिंदुओं को ये मैसेज दिया जाए कि हिंदू खतरे में है। लेकिन जो खतरा इन पर मंडरा रहा होता है उसकी भनक इनको पहले से होती है, क्योंकि जो पाप ये लोग करते हैं उस पाप का, जी हाँ, उस पाप का घड़ा भर जाता है और जब भर कर छलकने लग जाता है तो ये अपने समाज में भीख मांगने उतर जाते हैं, लोगों को बरगलाने उतर जाते हैं। लेकिन आज दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो इनका सारा खतरा एक पल में निकल गया, सब बाहर आ गया, इनका खतरा, इनका डर कि कौन खतरे में है, और असलियत सामने आ गई कि दरअसल, जी हाँ, ये लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और अपनी गोटी लाल करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दोस्तों साल 2018 में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज ने स्थानीय कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जी हाँ, ये वही योगेश राज है जिसने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को पीट पीट कर मार दिया था, ऐसा आरोप लगा है कोर्ट में। जी हाँ, जमानत अर्जी पर ये बाहर था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद ये आज सरेंडर करने पहुंच गया। इससे पहले योगेश ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। पत्रकार आलोक पांडेय ने योगेश के सरेंडर होने का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि ये आदमी योगेश राज है। बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी है। इस पर कई सारे संगीन मुकदमा दर्ज है और इसको जेल की सलाखों के पीछे रहना चाहिए था लेकिन ये करीब 3-4 महीने से बाहर था, और तो और जिस बाहर आकर शेखी भगा रहा था उस शेखी का अब हवा टाइट हो गया है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना डंडा चलाया है। इसी की तरह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बेल पर बाहर घूम रहे थे, बाहर ऐश कर रहे थे ठाट से, क्योंकि इनको डर, इनका भय सब खत्म हो गया था। भाजपा इनको बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। योगेश राज ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द करने के बाद आज सरेंडर कर दिया है खुद को। दरअसल 4 साल पहले यानी कि 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर जिला के स्थान थाना के पास कथित गौ हत्या की अफवाह के बाद काफी हिंसा हुई थी और उस हिंसे में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी पीट पीट कर। इस हिंसे में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। मामले के मुख्य आरोपी बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज को पुलिस ने घटना के एक महीने बाद 3 जनवरी 2019 को गिरफ्तार किया था मुख्य आरोपी के तौर पर। सत्ता के तमाम समर्थन हासिल होने के बावजूद दंगाई हो चुका योगेश को कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है क्योंकि अब कोर्ट ने इस पर नकेल कसा है। इसकी दंगाई पर, इसके कुकर्मों पर कोर्ट का अब हथियार चला है। कोर्ट ने इसे धर दबोचा है और जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। जमानत को रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गौ हत्या के बहाने पुलिस अधिकारियों की पीट पीट कर हत्या की गई थी, ये गंभीर मामला है इस देश के लिए। गौ रक्षा के नाम पर हुई हिंसा और हत्या का ये मामला कई वजहों से भी दिलचस्प रहा है दोस्तों, क्योंकि साल 2014 के बाद गाय के नाम पर शुरू हुई हिंसा की सीरीज को इस मोड़ पर आकर कुछ देर के लिए ही सही लेकिन रुकना पड़ा था, क्योंकि जब से सत्ता में बीजेपी की सरकार आई थी तब से गाय रक्षा के नाम पर मुसलमानों को लिंच करने की एक इनकी कवायद से शुरू हो गई थी। इनकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी कि मुसलमान नाम देखो, दाढ़ी टोपी देखो और इन पर टूट पड़ो, गाय का नाम लगा दो, इल्ज़ाम लगा दो और इन्हें लिंच कर दो। कईयों को तो इन भीड़ ने, जी हाँ, मौत की घाट उतार दिया और कईयों को बुरी तरीके से पीट डाला, क्योंकि मोदी सरकार में पहली बार गाय की रक्षा के नाम पर कोई पुलिस वाला मारा गया था, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की जोर शोर और ज़्यादा मच गई कि जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, जो
खुद एक हिंदू के हत्यारे निकले। जी हाँ, क्योंकि अगर ये नाम किसी मुसलमान नाम का होता तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता, इस तरह से बाहर घूम नहीं रहा होता जिस तरह से ये आरोपी बजरंग दल का घूम रहा था। साथ ही इस घटना ने यह भी साबित किया है कि हिंदू और गाय बचाने के नाम पर निकला युवा फंसने के बाद खुद को भी नहीं बचा पाता है। कुछ दिन मीडिया में हेडलाइन तो मिल जाती है, लाइमलाइट तो मिल जाती है, कैमरा एक्शन तो मिल जाता है, पोस्टर बैनर भी लग जाते हैं, लेकिन भविष्य अनिश्चित, काल अंधेरे में हो जाता है। ऐसे लोग सत्ता के लिए खाद की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे कि ये योगेंद्र जिसको पुलिस ने अब धर दबोचा है और अब ये खुद मिमियाते हुआ, खुद जी हाँ भीख मांगता हुआ अब पुलिस थाने पहुंच गया है कि अब मुझे सरेंडर कर लो, क्योंकि जितनी दिन ये बाहर घूम रहा था उतना ही ये देश के आम नागरिकों के लिए खतरा था, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है। इस जैसे लोगों की वजह से ही आज अल्पसंख्यक डर के साए में जी रहे हैं, इस जैसे लोगों की ही वजह से आज अल्पसंख्यक या यूं कहूं कि मुसलमान दलित डर में जीते हैं कि क्या पता कब ये गाय हत्या के नाम पर लिंच कर दे, कब ये मुसलमानों को टारगेट कर दे, दलितों को टारगेट कर दे, ये कहते हुए कि इन्होंने गाय जी हाँ तस्करी की है, गाय के नाम पर जिस तरह का आतंक इन कुछ सालों में फैला है ये आप सभी के सामने है। कैसे गाय गोबर करके ये लोगों को मौत की नींद सुलाते हैं, लेकिन हमारी प्यारी सरकार हमेशा खामोशी इख्तियार करती है और इन जैसे लोगों पर अब मेहरबानी दिखाती है, इन जैसे लोगों को बताती है कि हम तुम्हारे साथ है भैया, हम तुम जो भी करो हम तुम्हें छाव देंगे, हम तुम्हें अपना छत्र छाव देंगे जिससे तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जी हाँ, वो कहते हैं ना, खुदा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने देरी से ही सही, लेकिन अब इस मामले पर अपनी पूरी जो हस्तक्षेप है, पूरी जो एक मिसाल के तौर पर एक संदेश जो दिया है, ये वाकई सराहनीय है, क्योंकि ऐसा कम, बहुत ही कम देखने को इन कुछ सालों में मिला है कि जब एक हत्यारे को छुड़वाने के लिए बीजेपी बहुत दाव पेच लगाती है और आज कोर्ट ने इसको धर दबोचा है, क्योंकि बीजेपी की जबरदस्त तरीके से किरकिरी हो रही थी, फजीहत हो रही थी और आम इंसान का न्याय कानून से विश्वास उठ रहा था। आप सोचिए ना, खुद जिसकी पत्नी बेवा है, यानी कि सुबोध कुमार की जो पत्नी बेवा, जो विधवा है, वो इस मामले में कितना दर दर भटकी अपने पति को न्याय दिलाने के लिए, वो हर कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगाती हुई नजर आई, क्योंकि उसको बेइंसाफ नहीं मिल रहा था। जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, वो गलत सोचते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जी हाँ हर धर्म के लिए खतरा है। आज देखिए ना, सुबोध कुमार जो थे वो क्या मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे? नहीं ना, वो हिंदू थे और उनको इंसाफ दिलाने में, इंसाफ मिलने में कितने पापड़ बेलने पड़े, कितना दर दर का ठोकर खाना पड़ा और आज जाकर इस योगेंद्र राज को पुलिस ने पकड़ा है, यानी कि पुलिस के सामने ये पेश हुआ, जैसा कि ये पुलिस के सामने पेश हुआ और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। तो आप सोचिए कि किसको, जी हाँ किसको खतरा है और किसको खतरा नहीं है। जिन लोगों को मैं बार बार ये अपील करना चाहती हूँ कि लगता है ना कि मैं हिंदू हूँ तो मैं बच जाऊँगा, वो बिल्कुल गलत फहमी में है। ये किसी के सगे नहीं है, ये अपने परिवार वालों के भी सगे नहीं है, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से जी हाँ विकलांग हो चुकी है, सड़ चुकी है। ये किसी के लिए भी खतरा हो सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये हर एक धर्म के लिए खतरा है। और इस खतरे को जितना जल्दी जेल की सलाखों के पीछे सख्त से सख्त सजा मिले ताकि ये नज़ीर पेश हो और ऐसे खतरों को और ऐसे हमलों को, ऐसे अपराधों को ये अंजाम देने से पहले हजारों बार, लाखों बार सोचे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पर कानून और पुलिस बैठी है, ना कि संरक्षण, ना कि सपोर्ट।